दर सुप्रिया हत्याकांड के आरोपी को भीड़ ने दबोच कर समय पर बुरी तरह पीटा। यही नहीं, हाजीपुर के महनार थाने के इंचार्ज को बंधक भी बना लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध का घर घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही है। घटना वाले दिन से ही यह गायब था। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर थानेदार सादी वर्दी में इसे पकड़ने पहुंचे थे। उन्होंने सिपाहियों को कुछ दूरी पर छोड़ रखा था। इसी दौरान संदिग्ध की नज़र पुलिस पर पड़ी और वह भागने लगा। पुलिस को देखते ही भाग रहे संदिग्ध को भीड़ ने धर दबोचा और इसके बाद सरेआम उसकी पिटाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि सुप्रिया महनार की रहने वाली 15 साल की एक बेटी है जिसका हत्याकांड हो गया था। इधर पुलिस जब सादे निवास में अपराधी को पकड़ने गई, भागने लगा और फिर लोगों ने उसे पकड़ करके बुरी तरह पिटा। गुस्साई भीड़ ने उन्हें एक दुकान में बंद कर दिया। सूचना पर समस्तीपुर के पटोरी थाने और वैशाली के कई थानों के पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। माहौल अभी काफ़ी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रिया रोज सुबह 4:30 से 5 के बीच कोचिंग पढ़ने के लिए साइकिल करनौती से 7 किलोमीटर दूर घटनास्थल वाले सुनसान रास्ते होते हुए पटोरी जाती थी। 14 सितंबर को भी वह सुबह 4:30 बजे घर से निकली थी लेकिन कोचिंग नहीं पहुंची। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। शाम को पहले फोन से फिर लिखित सूचना महनार थाने को दी लेकिन पुलिस सक्रिय नहीं हुई। 15 सितंबर को 11 बजे दिन में एक महिला ने बरेठा बही चौर के पास पानी में अर्धनग्न अवस्था में एक लड़की की लाश उतराने की सूचना लोगों को दी। बाद में इस लाश को शिनाख्त सुप्रिया के रूप में किया गया। घटना के कई दिनों बाद तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लोग गुस्से में थे और लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह की बातें कही जा रही थी। आयशा ने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। और इधर गुरुवार को पटोरी में हजारों छात्र छात्राओं और बुद्धिजीवियों ने शहर के शहीद भगत सिंह चौक से शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन तक कैंडल मार्च निकालकर मृत छात्रा को श्रद्धांजलि दी। मार्च में शामिल छात्र छात्राओं और अन्य लोगों ने अपने हाथों में बैनर और तख्तियां ले रखी थी। इन बैनरों तख्तियों पर घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह का मामला लगातार बिहार में बढ़ रहा है उसको लेकर के प्रशासन मुखदर्शक बैठी बनी है। घटना के कारण पूरे पटोरी क्षेत्र के लोग मरमाहत हैं। मोहनपुर में भी कुछ युवकों ने कैंडल मार्च निकाला था। इस गुस्से के बीच एक संदिग्ध लोगों के हाथे चढ़ गया, फिर भीड़ ने उसे जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आखिर गुस्सा क्यों नहीं फूटे? क्योंकि घटना के 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी अगर प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ती है तो गुस्सा फूटना लाजमी हो जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक इसकी छानबीन चल रही है लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जहां दम्भ भरते हैं कि बिहार में प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, तो क्या ये सुचारू रूप से प्रशासन का काम है कि घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी अपराधी को अब तक नहीं पकड़ा गया और अभी जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है उसे लोगों ने अपने गुस्सा का इजहार किया और जमकर पिटाई कर दी। तो चूंकि बिहार में लगातार रेप की घटनाएं आ रही है, अभी फिलहाल एक नया घटना सामने आया है कि एक एंकर के साथ होटल में भी बलात्कार की घटना सामने आई है। हालांकि इस पर जांच चल रहा है, जल्द ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और Facebook पर अगर ये खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल के पेज को लाइक करें। नमस्कार।